हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टैंडर्ड फिफ्थ में हम एनवी का करेंगे, एनवी का लेसन नंबर 7 एक्सपेरिमेंट विद वाटर, पानी के साथ हम इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो देखो, फर्स्ट है व्हाट फ्लोट्स व्हाट सिंक, मतलब कौन सी चीज़ तैरती है और कौन सी चीज़ डूब जाती है। आयशा वाज वेटिंग फॉर डिनर, आयशा जो थी वो वेट कर रही थी डिनर का। टूडे अम्मी वाज मेकिंग हर फेवरेट फूड पूरी एंड स्पाइसी पोटैटो, तो आज के दिन अम्मी ने जो था उसका फेवरेट खाना बनाया था पूरी और आलू की मसालेदार सब्जी। आशा वॉच एस हर मदर रोल्ड आउट द पूरी एंड पुट इट इन टू द हॉट ऑयल, तो आशा जो थी एकदम ध्यान दे रही थी कि मम्मी कैसे रोल बना रही है पूरी का और उसके बाद तेल गरम गरम तेल के अंदर डाल रही है। शी सॉ दैट एट फर्स्ट द पूरी सैंक एट द बॉटम ऑफ द पैन एज इट इज़ पुफ्ड अप, तो वो देखती है कि जो मम्मी है गरम गरम तेल में जब पूरी डालती है पूरी एकदम ऊपर में आ जाती है, फूल जाती है। द पूरी केम अप एंड स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द ऑयल, और फूलने के बाद एकदम तैरने लगती है तेल में। वन पूरी डिड नॉट पुफ अप एंड डिड नॉट फ्लोट लाइक द अदर्स, और एक पूरी जो रहती है वो फूलती नहीं है और ऊपर में तैरती भी नहीं है। आंट सिंग दे आशा टुक सम डफ एंड रोल्ड इट इन टू ए बॉल, तो उसके बाद ये सब देख के आशा क्या करती है वो भी एक रोल बनाती है बॉल के जैसा, और वो शी फ्लैटेड इट फुट इन टू द बॉल ऑफ वाटर, और एक पानी नहीं लेती है एक बॉल में आलस इट सैंक एट द वाटर एंड स्टेड देयर, और उसके अंदर डाल देती है और देखती है कि क्या होता है, एक्सपेरिमेंट जैसा करती है। नेक्स्ट इन द इवनिंग आयशा वेंट फॉर ए वॉक, शाम के टाइम पे आयशा वॉक करने जाती है। शी हैड जस्ट कम आउट व्हेन हर मदर कॉल आयशा, इतनी देर में उसकी मम्मी आवाज़ लगाती है, आयशा यू हैव ड्रॉप द सोप इन टू द वाटर अगेन, तूने फिर पानी में सोप गिरा दिया, टेक इट आउट एंड पुट इट इन द सोप केस, तो चल उसको उठा और ले गया। आयशा वॉज इन हरी, आशा बहुत जल्दी में थी एंड द सोप केस फेल आउट ऑफ हर हैंड, तो सोप केस जो उसके हाथ से पानी के अंदर गिर जाता है, इट स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन वाटर, और वो पानी के अंदर तैरने लगता है। आयशा जेंटली पुट द सोप इन टू द सोप केस, आशा उठाती है सोप को और सोप केस में डालती है। शी सॉ दैट द केस कंटिन्यूज टू फ्लोट इवन विद द सोप इन इट, तो वो ध्यान से देखती है कि उसके जो सोप केस रहता है वो एकदम पानी के ऊपर तैरता रहता है। हैव यू सीन दैट समथिंग फ्लोट ऑन द वाटर व अदर सिंक, दिस थिंक हाउ दिस हैपन्स, द पोएम हैरेज इज सच क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए, वाई ऑन वाई ए वुडन बोट इन वाटर विल फ्लोट, लकड़ी की जो बोट है वो पानी में तैरती है, बट ए नीडल विल सिंक, वाई डज दिस हैपन्स, लेट मी थिंक, पर नीडल जो है उसके अंदर डूब जाती है, ऐसा क्यों होता है। एंड आयरन शिप विल ऑल्सो फ्लोट, आयरन की जो शिप है वो भी फ्लोट करती है, थ्रो इट इज मच हैवियर देन माई बोट, क्योंकि वो तो उल्टा मेरी उस बोट से भारी है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट ए नीडल लाइट एस ए लीफ थिन एस ए पेन, तो वो बोल रहे हैं सुई तो एकदम छोटी सी रहती है पत्ते जितनी पिन जितनी, बल सिंक राइट इन, पर वो तैरती नहीं है डूब जाती है, व्हाई डज दिस हैपन, लेट मी थिंक, क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है। चलो नीचे हम आगे हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। इट इज़ मैजिक व्हेन आयशा वोक अप इन द मॉर्निंग, जब आयशा सुबह सो के उठती है, अम्मी हैड फीवर, उसकी अम्मी को बुखार होता है, अब्बू मेड सम टी एंड वेंट टू गम मेडिसिन टू अम्मी, तो अब्बू क्या करते हैं थोड़ा सा चाय बनाते हैं और उसकी मम्मी को मेडिसिन देते हैं। ही टोल्ड आयशा यू बॉइल्स एग, और आयशा को बोलते हैं कि तू क्या करने का, एग लेने का और एग को थोड़ा उबाइल कर देने का। आल्सो पुट सम साल्ट इन द वाटर, और साथ में पानी के अंदर थोड़ा नमक भी डाल देने का। आयशा टुक वाटर इन ए पॉट, आयशा क्या करती है एक बर्तन में पानी लेती है। वाई मिस्टेक शी पुट टू मच साल्ट इन द वाटर, तो वो क्या करती है, वाई मिस्टेक गलती से उससे बहुत सारा पानी के अंदर नमक हो जाता है। शी सॉ द एग एट द बॉटम ऑफ द पॉट कम अप ए लिटल एंड स्टार्ट फ्लोट इन वाटर, तो वो क्या देखती है कि जो एग है एकदम पानी के ऊपर में तैरने लगते हैं। तो टेक सम वाटर इन ए ग्लास, पुट लेमन इन ऑन इट, नो पुटिंग साल्ट इन द वाटर हाफ ए स्पून एट ए टाइम वेयर यू, तो बोल रहे आप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, पानी लो एक गिलास में और उसमें क्या करो बहुत सारा एक नींबू डालो और बहुत सारा नमक डाल दो, तो देखना आपका वो जो नींबू है एकदम ऊपर में आके फ्लोट करने लगेगा। ऐसे ही आप नेक्स्ट डेड सी भी कर सकते हैं, ऑल ओशियन एंड सी हैव साल्टी वाटर, सब ओशियन और समुंदर जो रहते हैं साल्टी पानी रहता है। द साल्टीस्ट ऑफ ऑल द डेड सी हाउ साल्टी, इमेजिन 300 ग्राम ऑफ साल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, तो वो इतने साल्टी रहते हैं जैसे लगता है कि एक से कम उस पानी में 300 ग्राम नमक डाला हो। वुड यू बी एबल टू इवन टेस्ट सच साल्टी वाटर इफ वुड बी वीटर, तो हमें अगर वो पानी का टेस्ट भी करते हैं तो वो हमें एकदम ऐसा कड़वी जैसा लगता है। इंटरेस्टिंग इवन इफ ए पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम वुड नॉट ड्राउन इन दिस सी शी विल फ्लोट इन वाटर एज इफ फ्लाइंग डोन ऑन इट, तो ऐसा रहेगा अगर कोई
पानी में ज़्यादा नमक वाला पानी रहेगा, उसमें अगर इंसान को तैरना भी नहीं आता है, वो देखना एकदम ऊपर में फ्लोट करेगा लेकिन ड्राउन नहीं करेगा, डूबेगा नहीं। ठीक है, तो देखो नीचे व्हाट डिजॉल्व व्हाट डिड नॉट, कौन सी चीज़ डिजॉल्व होती है कौन सी नहीं होती है। ऑन संडे आयशा कज़न ब्रदर हैमिद कम टू हर हाउस टू प्ले, हर नेक्स्ट संडे को आशा के जो भाई हैं वो हैमिद उनके घर पे आते हैं। एज सून ही कम ही आस्क हिज आंट टू मेक हिज फेवरेट शकरपारा ए स्वीट डिश, तो वो आते ही क्या बोलते हैं कि उसकी मम्मी को, आशा की मम्मी को, कि आज ना हमें ये वाली डिश खाने का मन कर रहा है शकरपारा, इसको बनाने का। तो अम्मी उसकी क्या बोलती है, अम्मी सर लेट मी कम बैक फ्रॉम द मार्केट, बोलती है जब मैं मार्केट से आऊँगी देन आई विल मेक सम फॉर यू, तो तब मैं आके आपके लिए ये सब डिश बना दूँगी। तो वाई डू नॉट हेल्प मी, आप मेरी मदद नहीं करोगे, टेक टू ग्लास ऑफ वाटर एंड पुट ए वॉल ऑफ शुगर इन, आप मेरी थोड़ी सी मदद कर देने का, आप क्या करने का, एक गिलास पानी लेने का, एक बोल में डालने का, उसमें शुगर मिक्स करके रखने का, मिक्स इट टू टिल इट डिजॉल्व। हैमिद थॉट लेट मी फिनिश दिस वर्क फास्ट देन आई विल वॉच टीवी, तो चलो ये काम मैं जल्दी ख़त्म कर लेता हूँ, उसके बाद मैं क्या करता हूँ टीवी देख लेता हूँ। सुजेस्ट सम वेज टू हैमिद फॉर क्यूकली डिजॉल्विंग शुगर। नेक्स्ट मेक ग्रुप ऑफ फोर फ्रेंड्स, एक ग्रुप बनाओ फोर फ्रेंड्स का फॉर द एक्सपेरिमेंट, यू विल फोर फाइव ग्लास और वॉल्स पॉन्स वाटर एंड थिंग्स लिस्टेड इन द टेबल, कुछ चम्मच ले लो, कुछ पानी ले लो और फिर एक्सपेरिमेंट करो। इस टेबल के हिसाब से वो दिया है कि जैसे साल्ट है वो डिजॉल्व होता है कि नहीं होता है, सॉइल डिजॉल्व होती है कि नहीं होती है, साल्ट तो हो जाता है लेकिन सॉइल जो है नीचे बैठ जाती है, चॉक पाउडर स्पॉन मिल की आप बैठ के एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए, वाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट आयशा एंड हैमिद हैड एन आर्गूमेंट, जब एक्सपेरिमेंट हो जाता है आयशा और हैमिद आर्गूमेंट करते हैं एक दूसरे से। आयशा फेल्ट दैट आफ्टर स्टीरिंग इट ऑयल डिजॉल्व इन वाटर, तो आयशा क्या बोलती है कि पानी में जो तेल है वो डूब जाता है। हैमिद डिड नॉट एग्री, पर हैमिद उस बात से एग्री नहीं होता। ही सैड लुक द टीनी येलो ऑयल ड्रॉप्स कैन स्टिल बी सीन इन वाटर, आयशा सैड लेट्स वेट फॉर सम टाइम एंड देन सी, तो वो बोलता है कि जो हम तेल डालते हैं पानी के अंदर उसके देखने का येलो येलो कलर के छोटी छोटी बूंद हमें अलग से ऊपर में ही फ्लोट करती हुई दिखेगी, लेकिन आयशा नहीं मानती है, वो बोलती है चलो 5 मिनट बैठते हैं देखते हैं। डू यू थिंक द ऑयल गेट डिजॉल्व इन द वाटर, वाई डू यू थिंक सो, क्या आप बता सकते हैं कि पानी के अंदर तेल जो है वो मिक्स हो सकता है, तो रेसिंग ड्रॉप आगे। आयशा पुट टू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऑन द लिड ऑफ हर टिफिन बॉक्स, आयशा क्या करती है 2 बूंद पानी लेती है टिफिन के ढक्कन पे। नेक्स्ट दैट शी पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, फिर उसके बाद 2 ड्रॉप्स ऑफ पानी भी लेती है साथ में एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ शुगर सोल्यूशन, और फिर 2 शुगर सोल्यूशन भी लेती है। शी टाइटल द लिड, शी सा सम ड्रॉप्स स्लाइड डोंट क्विकली वाइल सम वर लेफ्ट बिहाइंड, तो कुछ क्या हो जाते हैं एकदम स्लाइड से नीचे गिर जाते हैं और कुछ लेफ्ट बिहाइंड रह जाते, मतलब पीछे रह जाते हैं। यू ऑल्सो ट्राई टू डू सेम एंड देन टेल विच ड्रॉप वट हैड वट इज स्लाइड फास्टर, वेयर डिड द वाटर गो, आप बताओ पानी कहाँ गया। वन डे आयशा मदर पुट सम वाटर टू बॉयल ऑन द स्टोव फॉर मेकिंग टी, एक दिन आयशा की मम्मी क्या करती है कुछ पानी रख के उस पर गैस पे भूल जाती है, मतलब चाय के लिए चाहे किसी भी चीज़ के लिए पानी रखा हो। शी गॉट बिजी विथ समथिंग एंड फॉरगेट अबाउट, फिर दूसरे किसी काम में बिजी हो जाती है और वो भूल जाते हैं। वैन शी रिमेंबर्ड एंड कम टू चेक, जब उनको फिर याद आती है वापस आते हैं चेक करने के लिए, शी फाउंड वेरी लिटल वाटर लेफ्ट इन द पैन, तो एकदम थोड़ा सा पानी जो था पैन में बच गया था। आगे है देखिए नेक्स्ट पेज पे डांडी मार्च, डांडी मार्च क्या था उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930 बिफोर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, तो देखो ये इंसिडेंट मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, ये घटना के बारे में बता रहा है कि ये 1930 को हुई थी हमारे देश आज़ाद होने से कम कितने साल, हमारा देश 1945 को आज़ाद हुआ था तो 1930 की बात है, मतलब कि कम से कम 15 साल पहले। फॉर मैनी ईयर्स द ब्रिटिश हैड मेड ए लॉ दैट डिड नॉट अलाउ पीपल टू मेक सॉल्ट देमसेल्फ, उस समय क्या था ब्रिटिश लोगों का राज था हमारे इंडिया में भी, तो कोई भी जो था उनके कानून के खिलाफ नहीं जा सकता था और लोग जो थे हमारे इंडिया के जो लोग थे वो नमक नहीं बना सकते थे। दे हैड ऑल्सो पुट ए हैवी टैक्स ऑन सॉल्ट, अगर बनाते भी थे तो उनमें बहुत सारा टैक्स लगता था। By this law, people could not make salt even for use at home. तो इस वजह से जो थे, इस कानून की वजह से बहुत सारे लोग जो थे इस नमक का यूज़ नहीं कर सकते थे
हाउ कैन एनीबॉडी लिव विदाउट सॉल्ट, क्या आज के ज़माने में रहे चाहे तब भी बिना नमक के कोई रह सकता है? गांधी जी सेड, हाउ कैन ए लॉ नॉट अलो अस टू यूज फ्रीली व्हाट नेचर हैज़ गिवन। तो गांधी जी ने क्या बोला कि ये जो है ये चीज़ हमें नेचर ने दी है, कुदरत की दी हुई चीज़ है, इस पर हमारा भी हक हो सकता है। लेकिन गांधी जी विद सेवरल अदर पीपल वेंट ए यात्रा लॉन्ग वॉक फ्रॉम अहमदाबाद टू द दांडी। तो फिर गांधी जी ने फैसला लिया, एक उन्होंने यात्रा निकाली जिस यात्रा का नाम उन्होंने दांडी मार्च डाला था, वो कहाँ से, अहमदाबाद से लेके दांडी सीशोर इन गुजरात, गुजरात के दांडी सीशोर मतलब समुंदर के किनारे तक, प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ, इस लॉ से बचने के लिए उन्होंने एक वो निकाली, क्या बोलते हैं, एक लंबी दांडी मार्च निकाली, मतलब लॉन्ग वॉक चलने के लिए। डू यू नो हाउ साल्ट इज मेड, आप जानते हो कि नमक कैसे बनता है? द सी वाटर इज कलेक्टेड इन शैलो वेट्स डग इन द सैंड। तो बहुत सारा जो पानी है एक जगह इकट्ठा हो जाता है। वाटर इज अलाउड टू ड्राई इन द सन। तो देखो, एक हम क्या कर लेंगे, एक खड्डा सा निकाल देंगे पानी के किनारे में, थोड़ा सा दूर में थोड़ा सा एक अच्छे से ढंग कर लेंगे। उसको करने के बाद हम क्या करेंगे, पानी उसके अंदर जो रहेगा समुद्र का पानी आएगा, फिर बाद में वो पानी सन जो है खींच लेगा, मतलब सूरज। आफ्टर द वाटर ड्राइज द साल्ट रिमेन ऑन द ग्राउंड, और पानी जो है वो हो जाएगा और पीछे बच जाएगा जो वो नमक हो जाएगा। तो ऐसे हमारा जो है नमक बनता है। तो थैंक